केंद्र और राज्य सरकारें कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही हैं। हालांकि पलायन कर दूसरे राज्यों में पहुंचने वाले दिहाड़ी मजदूरों ने सरकारों की परेशानी बढ़ा दी है। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। राज्य सरकार की मुश्किल ये है कि अगर वो लौटे और कोरोना पॉजिटिव हुए तो आसपास के लोगों को भी संक्रमित करेंगे। इतना ही नहीं, इस दौरान बीच में जिन राज्यों से पैदल यात्रा करते हुए वो आए हैं, वहां के लोगों में भी संक्रमण फैलाते हुए आए होंगे। ऐसे में ये संख्या आने वाले दिनों में और डरा सकती है। हरिद्वार से आ रहे हैं, सहजानपुर जाएंगे। बहुत दूर दूर से, देहरादून दिल्ली से लोग आ रहे हैं हरिद्वार, इसी केस से पैदल चल के आ रहे हैं यहाँ तक। जिन्हें बरेली जाना है, बरेली, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, बनारस तक के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बेचारे पैदल ही अपने घर जा रहे हैं। सुबह एसडीएम साहब ने 2 बस लगवाई थी बरेली की, वो सुबह जा चुकी है। जाहिर है अब तक इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए कोई भी देश दवाई नहीं बना पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिशें लगातार जारी हैं। इटली, स्पेन, अमेरिका और फ्रांस में इस बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया है। इटली में तो मौत का आंकड़ा 9000 को पार कर गया है। शुक्रवार को वहां 1000 लोगों की मौत हो गई। वहीं अमेरिका में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं, लेकिन इटली की तुलना में वहां मृत्यु दर कम है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो दिहाड़ी मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं, अपने गाँव की तरफ जा रहे हैं, अगर उनके साथ कोरोना गाँव तक पहुँचा, शहरों तक पहुँचा, तो ये हिंदुस्तान में एक भयावह रूप ले सकता है। और अगर बात स्क्रीनिंग और जांच की जाए तो इतने उपकरण अभी मौजूद नहीं हैं कि बहुत सारे लोगों की एक साथ स्क्रीनिंग की जा सके। ऐसे में राज्य सरकार और केंद्र सरकारों को कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाना होगा ताकि दिहाड़ी मजदूर जल्दी अपने घर तक पहुंच जाएं और इनकी जांच भी की जा सके। स्पेशल डेस्क, एन भारत।